अभी जो कोरोना से संक्रमित मरीज जो देखने को मिल रहे हैं उनमें मुख्य तौर पे लक्षण तेज बुखार, खांसी, सर्दी और साथ ही साथ उनके सूंघने और स्वाद की शक्ति चले जाने को मिल रही है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पे बुनियादी कुछ दवाइयां जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल वाली गोली और कफ एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में सुधार नहीं हो तो अपने पास वाले किसी भी डॉक्टर से दिखा सकते हैं अथवा मेडिकल कॉलेज में आकर के जरूर से दिखाने की कोशिश करें। अधिकांश लोगों में जो कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति रहते हैं जिनमें तेज बुखार रहता है या सर्दी जुकाम रहा करता है, उनको कोरोना की जांच जरूर से करा लेनी चाहिए। जहां की देखने को मिल रहा है कि लोग जांच कराने से कोरोना की जांच कराने से बच रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनके परिवार के और दूसरे जन को और जो नजदीकी मित्र हैं उनको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। सो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या मेडिकल कॉलेज में आकर के जरूर से जरूर कोरोना की जांच करा ले अगर आपको तेज बुखार या सर्दी या जुकाम बन रहा है तो। अंत में आपको कुछ सावधानियां जो कि पहले भी आपने इस्तेमाल करी थी जैसे कि भीड़ वाली जगह जाने से बचें और जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो रुमाल या कुहनी का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और जब भी आप बाहर से घर को लौट रहे होते हैं तो जरूर से जरूर हाथ धोने की कोशिश करें। अंत में आप जो लोग भी तीसरा डोज कोरोना का वैक्सीन का नहीं लगाए हों उन सभी से अनुरोध है कि आप जरूर से जरूर तीसरा डोज कोरोना वैक्सीन का लगवा लें। धन्यवाद।